ASP.NET ट्यूटोरियल पार्ट 8 और इस वीडियो में हम जानेंगे CSS कैसे हम अप्लाई करेंगे ASP.NET वेब पेज में। ओके तो इससे पहले इससे जो प्रीवियस वीडियो जो हो चुके हैं उनमें हमने आपको बताया था कि HTML को कैसे हम यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम JavaScript के बारे में भी समझ चुके हैं कि कैसे हम किसी भी वेब पेज में बिहेवियर हम JavaScript की हेल्प से लाएंगे। अब साथ ही साथ हम ये पढ़ लेते हैं कि जो CSS है, CSS यानी कि केस कैडिंग स्टाइल शीट, इसका क्या काम होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। देखो बेसिकली HTML की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक वेब पेज तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं किसी भी वेब पेज का। और अगर उस वेब पेज में आपको बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए, उसको डेकोरेट करना है, उसका मेकअप करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास CSS है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज के प्रेजेंटेशन को आप और भी अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ एग्जांपल के तौर पे अगर आपको अपने वेब पेज में कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, कोई इफ़ेक्ट देना है, शेडो लगाना है, ठीक है, बॉर्डर लगाना है, मार्जिन, पैडिंग, तो दुनिया भर की चीज़ें आप CSS की हेल्प से आप कर पाएंगे। तो आप अपने वेब पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर पाएंगे, उसकी अपीयरेंस को बदल पाएंगे, उसमें स्टाइल ला पाएंगे ताकि वो देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। ओके तो सिंपल सी बात है, CSS यूज करने के तीन तरीके होते हैं। पहला है इनलाइन CSS, मतलब इनलाइन स्टाइल सीट, तो जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS। दूसरा जो होता है इंटरनल CSS, और तीसरा क्या होता है, एक्सटर्नल CSS। तो ये तीन तरह के आप कह सकते हैं कि CSS होते हैं। होते क्या हैं, तीन तरह का मेथड होता है CSS को लिखने का किसी भी वेब पेज में। आप इन तीनों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो अब ज़रा सा हम एक एक फॉर्मेट पे देखेंगे कि कैसे क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा है CSS के नाम से। चलेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ पे CSS नाम से एक फोल्डर है, और ये फोल्डर मैंने इसलिए बनाया ताकि जितने भी CSS से रिलेटेड पेजेस बनेंगे वो इस फोल्डर के अंदर रहेंगे। ओके तो क्या करेंगे, इसी फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं और हमें चाहिए ASP.NET से कोई रिलेटेड वेब पेज चाहिए। तो आपके सामने यहाँ तो मिल जाएगा वेब पेज यहाँ पे, अदरवाइज़ आप सिंपली न्यू आइटम में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वेब पेज मिल जाएगा। ओके तो न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है एक वेब पेज, वो भी ASP.NET का पेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप HTML का भी लिख सकते हो, बट हमारा जो मेन काम है कि हमें ASP.NET के साथ कैसे ये चीज़ें काम करती हैं वो सीखना है ना। तो सिंपल आप यहाँ पे ASP.NET का पेज आपको सेलेक्ट करना है, वेब फॉर्म लेंगे, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रीनेम कर सकते हो, पर मैं इसको वेब फॉर्म 1 ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर एक वेब पेज जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, दिस वन। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखो रिफ्रेश का बटन है ऊपर, आप देख सकते हो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, आप चाहो तो इस पर क्लिक कर सकते, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो अगर आपको इस फोल्डर में कोई भी वेब पेज नहीं दिख रहा है तो उस केस में। तो सिंपली क्या करेंगे, अब हमें इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि आपके सामने ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं देयर इज़ द CSS। ओके ये हमारा CSS है, फाइन। तो ये हमारा ASP.NET का वेब पेज है। अब इसके अंदर सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये मैंने लिखा H2, और H2 के अंदर मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया, दैट इज़ ओके, ये मैंने नाम लिख दिया। अब अगर मैं इस पेज को रन करूँगा तो इसका आउटपुट आप देखना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। ये आउटपुट किसका है, ये जो आपने लिख रखा है, ठीक है, कोडर बाबा, ये इसका है। अब हम बात करते हैं कि इस पेज में हमें CSS कैसे लगाना है। देखो जब भी हम CSS लिखते हैं, CSS हम किसी HTML टैग के लिए ही लिखते हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं नोट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला होता है आपका इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होता है, देखो इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है कि मान लो ये हमारा हेडिंग है, मैं चाहता हूँ इस हेडिंग में थोड़ा सा कलर इफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए मुझे CSS का कोड लिखना है। CSS का कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो HTML का टैग है ना, तो ये क्या है, ओपनिंग टैग है, और ये क्या है, क्लोजिंग टैग।
तो आपको क्या करना है, HTML के ओपनिंग टैग में आना है। यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट लिखना है जिसका नाम क्या है, स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट लिखने के बाद आपको लिखना है इक्वल टू और डबल कोटेशन। जस्ट आपको लिखना है इक्वल टू और डबल कोटेशन, ठीक है। ये तो आपने क्या लिखा है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या हो गया कि हम ये जो हमारा हेडिंग टू है इसके लिए CSS का कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब CSS का जो कोड लिखने जा रहे हैं वो कोड क्या है, पहला कोड मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है रेड हो जाए। तो क्या लिखेंगे, कलर के लिए सिंपल आपको लिखना है कलर। जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पर आपको सजेशन आ जाएगा कलर, फिर कोलोन लगाना है, कोलोन के बाद आपको वैल्यू देनी है कौन सी वैल्यू चाहिए आपको रेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टाइल में क्या होता है, जो भी हम ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है इसमें जो वैल्यू होती है वो पेयर वाइज में होती है। देखो क्या करना है, कलर करना है। अब कलर ये तो है कि वो प्रॉपर्टी बता रहे, प्रॉपर्टी क्या है, कलर को चेंज करो, कौन सा कलर कर दें, रेड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। अब आप इसको सेव कर लो, उसके बाद ब्राउज़र में आना, इसको रिफ़्रेश करना, तो आपको क्या मिल गया, इसका एक रेड कलर मिल गया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एक तो हो गया, अब इसी में एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सेमी कॉलम। सेमी कॉलम का क्या काम होता है, दो प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंशिएट करता है कि भाई ये कलर वाला हो गया, दैट इज डिफरेंट। जिसे हम कॉमा लिखते हैं ना, अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं, सपोज कार, बाइक, स्कूटर, तो क्या करेंगे, कार कॉमा बाइक कॉमा स्कूटर, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक सेपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ द सेमी कॉलम। अब सेमी कॉलम के बाद क्या लिखेंगे, हमें लिखना है बैकग्राउंड कलर। तो सिंपल आप लिखो बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिखना है क्या बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के बाद डैश, यहाँ पे क्या बैकग्राउंड के बाद डैश लिख के क्या लिखना है, कलर, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू देनी है, कोलोन के बाद कौन सी वैल्यू देनी है इसकी। यहाँ पे सजेशंस मिल जाएंगे कलर के, जो भी कलर आप चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और मैं ये, ठीक है, ब्लू वायलेट कलर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पूरा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो कलर है ये कलर मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए, तो आप इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, फाइन। अब अगर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनलाइन, इनलाइन का मतलब समझते हो, जो भी HTML टैग आपने लिखा है उसी लाइन में आपको CSS लगा देना है। CSS लिखने के लिए क्या करना है, आपको स्टाइल कीवर्ड यूज़ करना है और उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें दे देनी। अब जैसे कि HTML में एक टैग होता है DIV, जो कि क्या करता है, डिवीज़न क्रिएट करता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर एलिमेंट, एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर आप जो भी चीज़ रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो अगर मुझे इस DIV में स्टाइल लगाना होगा तो क्या लिखेंगे, STYLE स्टाइल कीवर्ड, या सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट जो है आपका ये लिखेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका विड्थ चेंज करना है, क्या लिखेंगे हम, विड्थ, इसका विड्थ हम कितना देंगे, मैंने कहा 300 पिक्सल, ओके, ये दे दिया मैंने इसका विड्थ 300 पिक्सल। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ क्या हो गया, 300 पिक्सल हो गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, एक और प्रॉपर्टी लिखनी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम फिर से इसका बैकग्राउंड कलर है ना, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कोलोन लगाएंगे, कोलोन के बाद अब बैकग्राउंड में आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लो। तो ये मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या बैकग्राउंड, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड दिखेगा कैसे, अगर मैं इसमें यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 300 पिक्सल, ये देखो अब हाइट मैंने दे दिया 300 पिक्सल, ठीक है। तो इतना तो आप देख पा रहे हो, ये जो लिखा है ये तो H1 का एरिया है, उसके बाद बाकी जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, वो तो जो आपने बैकग्राउंड कलर दिया है इस DIV के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी एलिमेंट हो गए, अगर हमें कल को सपोज यहाँ पर हमें पैराग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ बना दिया। अब इस पैराग्राफ में अगर मुझे कुछ लिखना है, सपोज मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ और इस लाइन को मैं पैराग्राफ में इस तरीके से लिख देता हूँ, ओके। अब अगर मैं इसका आउटपुट अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है,
ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि इसमें भी कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए, तो कैसे होगा? तो मुझे भी यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, STY स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना होगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा इसका बॉर्डर जो होगा 1 पिक्सल, या बॉर्डर का दे देते हैं डॉटेड, और यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर बॉर्डर डॉट स्टाइल कोलोन, यहाँ पर लिखेंगे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम देखो बॉर्डर आ गया इसका। अब बॉर्डर यहाँ पे कितने हो गए, बॉर्डर बॉर्डर कई तरीके हैं, एक तो ये है बॉर्डर, इसको हटा दो, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अब देखते हैं दूसरा वाला बॉर्डर लेगा क्या, एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पे लिखना है सिंपली बॉर्डर। तो बॉर्डर से रिलेटेड कई सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी कई सारी हैं। ठीक है, ये देखो मैंने रेड किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 2 पिक्सल, अगर मैं इसको बढ़ा के 5 पिक्सल कर देता हूँ तो यहाँ पर ये बॉर्डर आपको और इसका मोटा दिखने लगेगा, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से आप डेकोरेट करें। तो ये है आपका इन लाइन। इन लाइन में क्या होता है, जो भी आप लिखते हो HTML टैग, उसी टैग में आप स्टाइल, उसी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के आप जो भी आपको करना है। देखो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, अगर आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट चाहते हो कि पेज के सेंटर में आए, तो आप ये सेंटर, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, कलर रेड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर आप दे सकते हो। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, जस्टिफाई, सेंटर, मिडिल, या फिर लेफ्ट राइट, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फॉन्ट साइज अगर आपको देना है तो फॉन्ट साइज आप दे सकते हो। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक सेपरेटर लगाओ, सेमी कॉलम, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अब इससे क्या होगा, जो आपका पैराग्राफ का जो फॉन्ट होगा वो देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लार्जर, है ना। ये इस तरीके से आप चीज़ों को कर पाओगे। सो ये है आपका इंटरनल CSS, सॉरी इनलाइन CSS था, ठीक है। अब इनलाइन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा CSS है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। तो फिलहाल ये इंटरनल इंटरनल ये इनलाइन जो हमने किया है, जो हमने इनलाइन किया है, यही सेम कोड हम लिखेंगे, बट उसको हम इंटरनल लिखेंगे, पेज के साइड में लिखेंगे, इनसाइड इनसाइड द हेड सेक्शन हम उसको लिखते हैं, ठीक है, इनसाइड हेड सेक्शन हम उसको चीज़ को लिखते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर जान लो कि देखो यहाँ पर देखो क्या है, कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या टेक्स्ट, अब टेक्स्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, देखो यहाँ पे तीन तीन चीज़ें हैं। टेक्स्ट है, उसका जो डेकोरेशन होगा, उसका जो कलर होगा उसको ब्लू कर दो, ठीक है। अब जैसे कि फॉन्ट, फॉन्ट का फैमिली है, फॉन्ट का वेट है, फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे क्या, दो दो प्रॉपर्टी मिलके, जब दो प्रॉपर्टी मिलते हैं तो बीच में डैश लगता है, ठीक है। से टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब ये जो कोलोन दिखती हो ना, कोलोन हम तब लिखते हैं जब हमें वैल्यू लिखना हो। तो सपोज हमने यहाँ पे, अगर आप ये देखो कलर, मैंने लिखा कलर, अब इसकी वैल्यू क्या होगी कलर की, कलर कोलोन के बाद हम वैल्यू देंगे, फिर यहाँ पे सेपरेट एक सेमी कॉलम, सेमी कॉलम मीन्स कलर वाला डिफरेंट, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन डिफरेंट। तो इन सब के बीच में अगर आपको सेपरेशन करना है तो सेमी कॉलम यूज करेंगे फॉर सेपरेटिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इंटरनल स्टाइल शीट की बात करें, तो कोई इंटरनल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम जितने भी पैराग्राफ हम लिखेंगे, जितने भी टैग हम यूज करेंगे, तो सबको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए हमें ये, सबके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम ये कॉपी कर लें, सपोज अगर हम ये कॉपी कर लें, ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आते हैं और इस DIV के अंदर, ठीक है,
यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं। इस पेज को अगर हम रन करेंगे तो अगर आपके पास सपोज 500 हेडिंग है, 500 अगर आपके पास 500 हेडिंग है, 500 पैराग्राफ टैग हैं, तो सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर एक टैग में आपको इनलाइन सीएसएस जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपके पास सैकड़ों टैग हैं। तो किस किस टैग का आप कलर चेंज करोगे, फॉन्ट्स चेंज करोगे, ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप इंटरनल आप यूज़ कर लो, ठीक है। दिस वन, व्हाट इज दिस, दिस इज़ इंटरनल स्टाइल शीट। देखो इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है, ये बेटर होता है इनलाइन सीएसएस के मुकाबले ना, इंटरनल काफ़ी अच्छा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हेड सेक्शंस में आते हैं, जो भी आपका हेड सेक्शंस है, सपोज़ करो कि यहाँ पर आ जाते हैं। अभी देखो अगर हमें इस चीज़ को हम फिर से क्या करते हैं, इस चीज़ को हम फिर से डिलीट कर देते हैं। ध्यान से देखो, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम इंटरनल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया। हाँ अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो एक क्या होता है, इसको सेलेक्ट कर लो। आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ H1, ठीक है, H1 में मैंने लिखा, ये मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनल सीएसएस यूज करना है। इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना है, हेड सेक्शंस के अंदर आना है। ये देखो हेड सेक्शंस है, तो जहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है ना, इसके ऊपर आ जाओ, हेड सेक्शंस में अंदर आ जाओ। यहाँ पर लिखना क्या है, आपको लिखना है ये एंगल ब्रैकेट, इसमें लिखना है STYLE, आपको क्या लिखना है, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल ओपन, स्टाइल क्लोज। ये देखो ये हो गया फाइन। अब हम, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ना, ये जो आपको दिख रहा है कोडर बाबा, इसका यहाँ पे देखो कलर क्या दिख रहा है अभी, अभी देखो ब्लैक दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और इसका टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए, ठीक है, इसके लिए। तो ये कैसे होगा, अब अभी तक अगर हमें ये चीज़ करनी हो उसमें, अगर हमें ये चीज़ इनलाइन में करना हो, तब तो आसान है, हम कर लेंगे क्योंकि हमने किया भी है, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं इनलाइन में। इनलाइन में करने के लिए आपको पता है कि ध्यान से देखिएगा, STY स्टाइल अलग एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है। फिर क्या लिखना है आपको, बैकग्राउंड कलर आपको निकला है, बैकग्राउंड कलर कलोन क्या लिखेंगे, ब्लैक। देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, तो सेमी कॉलम यूज करेंगे। फिर क्या लिखना है, तो लिखा कलर कोलोन वाइट, ये देखो ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, उस पर जो लिखा है वाइट कलर से लिखा हुआ है, फाइन। तो अभी ये चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है इनलाइन के थ्रू। अब इंटरनल में कैसे करना है, इंटरनल में करने के लिए देखो सिंपल, ये क्या है, H1 है, ठीक है, H1 है, तो यहाँ पर आ जाओ, इसके बीच में आ जाओ, स्टाइल जो आपने लिखा है एट्रीब्यूट, स्टाइल टैग, इस स्टाइल टैग के अंदर आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखना है, H1 लिखना है, H1 लिख देना है ऐसे। फिर इसके बाद क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने लिखा है H1, H1 के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये वाला ना, ये जो आपने इसमें लिखा हुआ, इसको कॉपी कर लो, यहाँ से इसको कट कर लो, ये स्टाइल की भी अब ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो, फाइन ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यही हम पेस्ट कर देंगे, ओके। तो ये यहाँ पे भी क्या देना है, सेमी कॉलम ऐसे। अभी क्या करते हैं, अभी हम इसका कलर कर देते हैं येलो, ओके। अब इसको देखना, अगर मैं इसको रन करूँ, क्या इसका कलर चेंज हो रहा है, येलो हो गया, ठीक है, इट मीन्स कि ये काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ये क्या है, H1 है, मैंने बोला भाई जो H1 है ना, H1 का कलर क्या कर दो, ये कर दो। अब देखो अगर मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, जो मैंने कॉपी कर लिया इसको,
यहाँ पे लिखा HR, इसके बाद मैंने यहाँ पे H1 पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब देखो ये H1 है और यहाँ पर एक H1 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और H1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक है। तो अभी क्या, ये भी H1 है, ये भी H1 है, ये भी H1 है, ओके। और जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखो ये आपका ये आ गया कोडर बाबा, फिर दूसरा, तीसरा। हमने क्या किया है, हमने जो कोड लिखा है वो सिर्फ एक एच के लिए लिखा है, ओके। हमने किसके लिए लिखा है, एक एच के लिखा है, हेडिंग वन के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हेडिंग वन है, हेडिंग टू है, हेडिंग थ्री है, ओके। तो एक के लिए लिखा है तो बाकी सब में वो रिप्लिकेट हो जा रहा है। तो पर अगर यही इन लाइन होता, इन लाइन में क्या था, अगर आपने तीन हेडिंग बना रखा है तो तीनों के लिए आपको इन लाइन सीएसएस लिखना पड़ता। और इंटरनल में क्या हो गया, आपने कह दिया कि भाई अगर कोई H1 टैग मिलेगा तो उस H1 टैग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना, फॉर कलर येलो कर देना। तो देखो जितने भी H1 में टैग मिले हैं सबका उन्होंने ये कर दिया। पर अगर आप यही सेम चीज़ कर दो H2, अगर मैं इसको H2 कर देता हूँ, दिस इज़ H2। अब H2 के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो H2 के केस में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने CSS में सिर्फ H1 के लिए कमांड दिया है, H2 के लिए नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, H2 के लिए भी बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मैं H2, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर क्या लेना है, मैंने लिखना है कि बॉर्डर कोलोन, यहाँ पे लिखना है थ्री पिक्सल डॉटेड ग्रीन, ठीक है। ये अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, वापस आते हैं यहाँ पे, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो अब देखो क्या हो गया, ये जो है आपका H2, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लग गया जिसका स्टाइल है डॉटेड, और इसका जो कितने पिक्सल का, 3 पिक्सल का है, ओके। और अगर इस चीज़ को मैं बढ़ा दूँ यहाँ से, 3 से क्या कर दूँ, 32 कर दूँ, इस केस में क्या होगा, ओके। तो देखो बॉर्डर इसमें लग गया इसका 32 पिक्सल का, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, CSS की हेल्प से पेज के डेकोरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया बेसिक सा, कि अगर आपको इंटरनल यूज़ करना है, इंटरनल यूज़ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पर अगर इसी में हम क्या लगा देते हैं, इसी में देखो सपोज़ अगर हमने एक पैराग्राफ ले लिया, ओके। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इंटरनल में आ जाते हैं तो एक पैराग्राफ, ये देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया ये पैराग्राफ, और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये अब मेरे पास ये एक पैराग्राफ है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये पैराग्राफ में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास एक और सेलेक्टर बोलते हैं जिसको, ठीक है। बेसिकली अभी ये जो कोड में लिख रहा हूँ ये क्या है, ये टैग सेलेक्टर। कौन सा टैग भाई, H1 टैग, कौन सा टैग, H2 टैग। अगर ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो एक तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक क्लास देना होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, कैसा एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट। तो क्लास के लिए क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक है। क्लास के बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे लिखना है क्लास, क्लास इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई भी नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सपोज A1, ऐसे ही कोई नाम दे दिया A1, ओके। तो मैंने दे दिया A1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम अगर हमने क्लास लिखा है तो क्या लिखेंगे, डॉट A1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो
डॉट ए वन का मतलब क्या, हम इस ए वन की बात कर रहे हैं, वो टैग जिसमें क्लास ए वन होगा उसका, उसका क्या करना है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा अब इसका कलर क्या कर देंगे, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ये ठीक है, कलर ग्रीन हो जाए। फिर इसका क्या है, टेक्स्ट। अब देखो टेक्स्ट में कितने सारे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, क्या करना है, अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। ओके, ये कर देना है। अभी देखो क्या होगा, अभी मैंने किस में लगाया है, इसमें लगाया है H1 में, तो ये देखो सेंटर में आ गया, फाइन। अब यहाँ पे कलर क्या होगा, रेड ऑरेंज, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है, देखो इन दोनों की ज़रूरत है ही नहीं अपने को। तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बना दिया, क्लास का नाम क्या है, A1, ठीक है। अब इस क्लास में मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ये तीन चार प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो जिस भी टैग में ये क्लास होगा वो इस तरीके से डेकोरेट हो जाएगा। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो हो गया ये। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है, अगर आपने क्लास बनाया है तो आपको मिनिमम CSS कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यही वाला में दूसरे में, अगर यही हम दूसरे में यूज़ कर लेंगे तो आपका CSS कोड की रीयूजबिलिटी बढ़ जाती है। देखो अब ये लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यार जैसा डेकोरेशन इसका है वैसा डेकोरेशन पैराग्राफ का हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्लास, क्लास इक्वल टू, फिर वही A1 आपने को लिख देना है यहाँ पे। A1 का मतलब भैया ये वाला जो है, ठीक है, जिस जिस HTML टैग में क्लास इक्वल टू A1 होगा उसका डेकोरेशन जो भी आपने यहाँ पे CSS में मेंशन कर रखा है वैसा ही हो जाएगा। देखो इसका भी बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पे रेड ऑरेंज रेड और ये येलो, और इसका भी वैसा ही हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने एक ही बार CSS यहाँ पे मेंशन किया है और आपने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब इसी तरीके से आप चाहो तो एक और बना सकते हो, मान लो हम बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं क्लास। देखो क्लास इक्वल टू ये क्या है, मान लो इसका नाम दे देते हैं YT, सब्सक्राइब माई चैनल ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है डॉट YT और ये आपको लिखना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिर्फ देना है कलर कोलोन क्या होगा, रेड, फाइन। फिर आपका जो टेक्स्ट होगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब कि वो पेज के बीचों बीच हो, सेंटर में आ जाए। ओके सॉरी, यहाँ पे अब इसमें क्या देते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं हम, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये इस तरीके से आप दे सकते हो। अब क्या होगा, अब वो यहाँ पर हम YT ने मैंने यूज़ कर रखा है, सेव कर लिया। देखो ये देखो इसमें क्या हो गया, कलर इसका रेड हो गया, बॉर्डर आपका ब्लैक हो गया, ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS में क्या होता है, हम जो भी CSS का कोड होता है वो पेज के हेड सेक्शंस में जाके स्टाइल टैग के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर कितना अच्छा साफ साफ दिख रहा है, और इसका जो भी कोड होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दिस इज़ द इंटरनल। ओके इंटरनल, अब इंटरनल में देखो यहाँ पर भी एक पेज इन्होंने बना रखा है, तो ये हम देखते हैं, ये पेज इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो पेज इन्होंने बनाया है तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ से पूरा ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया पहले एक H1 बना दिया, ठीक है, H1 में क्या लिखा है, क्लास हेडर। फिर उन्होंने एक पैराग्राफ लिया, इसका क्लास क्या रखा है, Style1। फिर एक और लिया, उसका क्लास क्या रखा है, Style2। फिर एक और हेडर लिया है, इसका क्लास का नाम क्या रखा, फुटर। ओके फाइन, तो इधर देखो अगर मैं ये हेडर यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस AT को क्या बना देता हूँ, हेडर बना देता हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने इसको बना दिया हेडर। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो हेडर का काम हो गया यहाँ पे, फाइन। अब देखो यहाँ पर देखो
ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और देखो कहाँ गया, यहाँ पर देखो अगर देखोगे तो ये क्या है, ये जो टैग है H1 टैग के अंदर आपका हेडर आता है, ठीक है। तो ये जो डॉट आप देख रहे हो ना, इसके पहले आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो H1, H1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली टैग का नाम ना देके सिर्फ क्लास का नाम दे देते हैं। मैंने कहा भाई डॉट क्लास का नाम क्या है, वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा क्लास का नाम क्या है, ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें टैग का नाम भी देना चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हो। आप सिंपली लिख सकते हो टैग H1 के अंदर डॉट हेडर क्लास का जो नाम है उसका प्रॉपर्टी आप सेट कर दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फुटर के लिए उन्होंने क्या मेंशन किया, फुटर के लिए ये वाला कोड मेंशन किया, तो ये कॉपी कर लेते हैं पूरा कोड। और फुटर में क्या है, इसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो आप ऐसे डिफरेंट ये कर सकते हो, ठीक है, सेमी कॉलम से इसको ब्रेक कर दो, थोड़ा सा ये रीडेबल हो जाता है, देखने और पढ़ने में अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप इजीली डेट कहाँ भाई, ये हमारा फुटर है, इसके अंदर आपका पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी है ना। इसको अब जब आप यहाँ पे रन करोगे तो क्या हो गया, इसका अलाइनमेंट हमने लेफ्ट कर रखा है क्या, एक बार चेक करो, ये देखो राइट, सॉरी राइट कर रखा है ना, इसका अलाइनमेंट राइट कर रखा है, इस वजह से ये राइट में चला गया है, फाइन। ये इस तरीके से फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इसमें आपने क्या लगा रखा है, दो और हैं स्टाइल वाले, ये आप कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे मेंशन कर दो, दीज आर द प्रॉपर्टी। आप इसको बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो डॉट स्टाइल लिखो वो भी सही है, या फिर टैग का नाम दो फिर डॉट के बाद स्टाइल का नाम दो, क्लास का नाम बेसिकली, ठीक है। टैग क्या है पैराग्राफ, इसका क्लास का नाम क्या है स्टाइल वन, स्टाइल वन। टैग का नाम क्या है पैराग्राफ, और यहाँ पर क्या है स्टाइल टू, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, डायरेक्टली डॉट और क्लास का नाम दे सकते हो। अब अगर अगर आप इसको चेक करोगे तो कैसे आपको दिखेगा ये, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा है ना, यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपका पेज अब थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है, कलरफुल आ गया इसमें, बॉर्डर आ गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें। तो ये हो गया आपका इंटरनल CSS। अब उसी तरीके से आपका आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में बेसिकली क्या होता है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल CSS सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या है कि अभी तो आप देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 10 लाइन ऑफ HTML कोड यहाँ पे लिखे हैं। अब उसके बाद आप देखो मैंने यहाँ से तकरीबन यहाँ से 9 से लेके 30 तक, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो टोटल 20 लाइन ऑफ मैंने CSS के कोड लिख दिए। तो 20 लाइन ये हो गए, 10 लाइन ये हो गए, टोटल कितने हो गए 30 लाइन कोड। तो आपका जो वेब पेज, जितना ज़्यादा CSS कोड आप लिखेंगे अपने वेब पेज में, उतना ही पेज आपका बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे, तो एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा उस पेज को, उस पेज को लोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट करो, ठीक है, जैसा कि हम करते हैं। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल में क्या करेंगे, हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल को जब हम लिंक करेंगे तो लिंक टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिंक टैग REL में आपको अपने फाइल का नाम देना है, सॉरी REL में आपको वो फाइल का टाइप क्या है, स्टाइल शीट, तो स्टाइल शीट लिखना है। HRF में आपको फाइल को लिंक करना है, जो भी फाइल है आपका CSS का, और CSS की फाइल को डॉट CSS से सेव करते हैं, ओके। तो अभी हम यही यही जो प्रोग्राम है यहाँ पे जो हमने बनाया है, इसी को हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें यही रहने देते हैं, बस ये जो कोड आप देख रहे हो ना, ये जो कोड देख रहे हो इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखो इसी को हमने यहाँ से कर लिया कट, ये मैंने कट कर लिया। वापस चलेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, इसी CSS वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर आएंगे ऐड, ऐड न्यू आइटम। अभी देखो ऐड न्यू आइटम में हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है CSS फाइल, CSS फाइल या स्टाइल शीट होता है उसका नाम। यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, स्टाइल शीट, बट ये भी नहीं, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या हो है? मैंने बोला जिसका एक्सटेंशन डॉट CSS हो, तो हम दूसरा ढूंढेंगे कोई, नेक्स्ट नेक्स्ट दिख रहा है क्या, ये रहा, ठीक है, शीट, व्हाट दिस स्टाइल शीट, ओके, इसको ऐड कर लेते हैं, इसका एक्सटेंशन डॉट CSS है। अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है ना, इसको आप डिलीट कर दो,
और सिंपली आपका जो भी कोड था सीएसएस का वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया, फाइन ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ये स्टाइल स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। हमें सिंपली ये वाली फ़ाइल यहाँ पे लिंक करनी है। लिंक करने के लिए इस फाइल को पकड़ो यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये देखो ठीक है, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अच्छा अभी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, डिफरेंस कब दिखेगा? सपोज़ अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ ये 11 स्टाइल शीट, ठीक है। इसका नाम मैंने रीनेम कर दिया, यहाँ पे गलत फाइल का नाम दिया है। अभी देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, सिंपल जैसा था, कोई भी कलर वगैरह नहीं। तो इस फाइल का नाम क्या था, स्टाइल शीट 1 था। ओके यहाँ पे चेक करोगे फाइल का नाम क्या है, स्टाइल शीट 1, तो मैंने दे दिया स्टाइल शीट 1। अभी क्या होगा, अभी जब मैं इस पेज को रन करूँगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस पेज पे सिर्फ आपका HTML का टैग है और CSS के लिए आपने एक डिफरेंट पेज बना दिया जिस पे आपने CSS का फाइल यहाँ पे इसका CSS का कोड लिख रखा है। अब इसी फाइल को, स्टाइल शीट 1 फाइल को हम इस पेज के साथ यहाँ पे लिंक कर देंगे। लिंक करने के लिए आपको बस सिंपली हेड टैग के अंदर लिंक टैग यूज़ करना है। HREF में आपको इस फाइल का नाम देना है और यहाँ पर एक इसका एट्रीब्यूट होता है REL, ठीक है, वो कौन सा फाइल है उसका यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो आपने लिखा हुआ है CSS का कोड वो इस फाइल से ऑटोमेटिकली इस फाइल पे इम्बेड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये वेब फॉर्म 1 वाला जो फाइल है इस पे टोटल कितना है, टोटल 29 लाइन ऑफ कोड है ना, 30 लाइन ऑफ कोड आप कह सकते हो इसमें है। तो अभी देखो कितना बचत हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो CSS अकेले ही 30 लाइन का है, यहाँ पे 30 लाइन में 1 से लेके 30, ठीक है, 30 तक आप देख सकते हो CSS का कोड है। तो आपने कम से कम 50% लाइन ऑफ कोड जो है वो कम कर दिया इस पेज से, तो जिससे क्या होगा, पेज की लोडिंग फास्टेड हो जाएगी। तो इसी वजह से एक्सटर्नल को बेस्ट माना जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, कभी भी आपने एक फ़ाइल बना लिया, इस एक फ़ाइल को आप इस एप्लीकेशन में जितने भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे उन सारे फॉर्म के साथ आप आराम से लिंक कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्लास का नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है Style1, तो अगर आप किसी अदर फॉर्म में यूज़ कर रहे हो और उसमें भी Style1 नाम का क्लास दे रखा है तो आप इजीली उसके साथ आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो भाई ये बड़ा ही अच्छा होता है, ये रीजेबल होता है और इसकी हेल्प से आप अपने पेज को डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। तो बस ये है छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है CSS का कि कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली ये तीन तरीके काफ़ी सफिशियंट है आपके लिए। और उसके बाद सेलेक्टर होते हैं, अगर आप CSS पढ़ोगे, प्योर CSS पढ़ोगे, तो काफ़ी सारे सेलेक्टर होते हैं यहाँ पे। सेलेक्टर दुनिया भर के सेलेक्टर होते हैं, पर अगर आप क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हो तब भी आपका काम हो जाएगा। और एक आपका होता है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर को कुछ हम ऐसे देख सकते हैं, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो ये है H3। H3 के बाद मैंने लिखा हेलो हाउ ठीक है, हेलो हाउ आर यू। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ ID। मैंने क्या दिया, ID, ID इज इक्वल टू, इसको मैं दे देता हूँ HH3। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी नाम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद अभी मैं क्या लिखूँगा, हैश, व्हाट इज दिस, हैश HH3, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें लिखूँगा मैं कलर कोलोन ग्रीन, ठीक है। फिर क्या होता है आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल टू 40 पिक्सल। फिर क्या होता है आपका बॉर्डर क्या है, डबल 2 पिक्सल रेड। तो देखो अगर हमने क्लास यूज़ किया है तो हम डॉट यूज़ करेंगे, और अगर हमने ID यूज़ किया है तो हम हैश यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो हैश HH3, और यहाँ पे क्या लिखा, ID इक्वल टू हैश HH3 लिखा, यही लिखा है ना। अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हम, तो आप देख पा रहे हो जैसे रिफ़्रेश किया तो जो भी मैंने दिया था वो यहाँ पर इजीली डिस्प्ले हो रहा है।
तो सेलेक्टर कई सारे हैं, एक है क्लास सेलेक्टर, एक है आईडी सेलेक्टर, दूसरा है टैग सेलेक्टर, ठीक है, बहुत सारे सेलेक्टर हैं, करीब 7 या 8 सेलेक्टर हैं, डिफरेंट सेलेक्टर, बट उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको क्लास के बारे में नॉलेज है, आईडी के बारे में नॉलेज है, तो इससे आपका काम हो जाएगा, आप एक बेहतर रिस्पॉन्सिव और एक बेहतर वेब पेज आप क्रिएट कर पाओगे सीएसएस की हेल्प से, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में जब हम ASP.NET पे काम करेंगे, तो वहाँ पर जब भी हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकेंगे कि कैसे हमारा क्लास काम कर रहा है और कैसे हमारा आईडी काम कर रहा है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊँगा सीएसएस के बारे में, बिकॉज क्योंकि अभी हमने ASP.NET पढ़ना है, तो उस पर कई सारे वीडियोज़ बनेंगी। पर हाँ, बीच बीच में जब भी हम कोई एग्जाम्पल करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको जो भी, जहाँ पर भी मैं सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी मैं बताऊँ, और जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँ, ताकि साथ साथ क्या होगा कि ASP.NET सीखने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ .NET सीखो, इसमें HTML का बहुत बड़ा रोल है, CSS का बहुत बड़ा रोल है, जावास्क्रिप्ट का भी काफ़ी अच्छा रोल है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा, बूटस्ट्रैप से बने बनाए टेम्पलेट इंटरनेट से डाउनलोड करूँगा, और उन्हीं टेम्पलेट पर मैं डायरेक्टली अपने जो भी एप्लीकेशन है उसको बनाना स्टार्ट करूँगा। देखो, टेम्पलेट कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि बूट स्ट्रैप को टेम्पलेट, जो भी बूट स्ट्रैप का टेम्पलेट है, उसको ASP.NET में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम भाई मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, पर वो चीज़ें थोड़ी सी ना करते करते सीखते सीखते आप समझ जाते हो कि क्या करना है उसके साथ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने वाले टाइम में जब भी हम कोई एग्जाम्पल करेंगे, कोई प्रैक्टिकल करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ASP.NET में, तो उसमें वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने CSS बता दिया आपको, बेसिक बेसिक जावास्क्रिप्ट भी हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, और HTML भी हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ASP.NET, जिसमें कि हम टूल बॉक्स में से एक एक कंट्रोल को हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, कैसा क्या उनका यूज़ है, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।